हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चे, कौन कौन जुड़ गए हैं फटाफट जरा बता दें। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है बच्चे द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट सिगा नोया। चलिए शुरू करते हैं, है ना। इंग्लिश पढ़ा रहे हैं सर बाबू, हिंदी टाइपिंग आप जानते हो ना, हिंदी टाइपिंग कितना कठिन है ना। तो बुक को मैं जब तक टाइप नहीं करूंगा बाबू, तब तक कैसे होगा। टाइपिंग करने में टाइम जाता है ना, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसमें टाइपिंग में। इंग्लिश का, इंग्लिश मैंने टाइप किया हुआ रखा हुआ है, समझे। इंग्लिश का मेरे सारे चैप्टर्स का मैंने टाइप कर लिया है, सारे का नहीं लेकिन अधिकांश का है मेरे पास टाइपिंग, है ना। अभी पढ़ लीजिए ना, इंग्लिश भी तो है ना, कोई ना कोई आपको भी तो मैं समाप्त करूँगा, इससे टेंशन ना मत लीजिए। आपकी जिम्मेदारी मेरी है ना, आप लोग सभी मेरी जिम्मेदारी हो, सो आप डोंट वरी, चिंता बिल्कुल भी ना करें, है ना। जो मेरे सुविधा अनुसार हो जाता है मैं कर देता हूँ। देखिए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का टाइपिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने स्टोरी ऑफ इंग्लिश नहीं पढ़ाया अभी, है ना। उसका टाइपिंग हो गया है, थर्ड चैप्टर ना, फोर्थ चैप्टर का, है ना, मिडिल इंग्लिश का। थोड़ा सा टाइपिंग में समय जाता है, और फिर देखते हो ना, दिन भर तो बैच ही रहता है, तो फिर टाइपिंग कब रात में ही करना पड़ता है, है ना। चलिए तो बच्चे शुरू करें। चलिए बाबू शुरू करते हैं। द आर्टिस्ट, ध्यान रहा, द आर्टिस्ट क्या पढ़ रहे हम लोग बच्चे, द आर्टिस्ट, द आर्ट आर्टिस्ट क्या है जरा ध्यान देंगे, सब चीज ठीक है ना। हाँ बच्चे ध्यान देंगे, हम लोग का अभी आज का चैप्टर है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, कलाकार होता है, ध्यान देना। आर्ट का मतलब, देखो आर्टिस्ट बनता कैसे, आर्ट का मतलब क्या होता है, कला, जिसमें अगर आईएसटी लग जाता है वो नाउन हो जाता है, ध्यान देना। क्या हो जाता है बच्चे, नाउन हो जाता है, और वो किसी चीज को करने वाला होता है ना। निकिता जी लेट से आए हैं, है ना। ध्यान रहे बच्चे, द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, कलाकार होता है। जो बच्चे लेट से आ रहे हैं उनके मन में प्रश्न है, सर आपने तो बोला हिंदी आज पढ़ा रहे हो इंग्लिश, मैंने बोला बच्चे टाइपिंग का प्रॉब्लम है, है ना। टाइपिंग हो जाएगा फिर मैं आपको, और हो सकता है सबसे पहले हमें पोएट्री पढ़ाने में सुविधा हो, क्योंकि एक एक चैप्टर बहुत लंबा है प्रोज का, है ना, सो थोड़ा समय लगेगा। ओके चलिए, द आर्टिस्ट के लेखक कौन है बच्चे, सिगा नोया, ध्यान देना। द आर्टिस्ट के लेखक कौन है, सिगा नोया है। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट से पढ़ते हैं। द आर्टिस्ट बच्चे एक शॉर्ट स्टोरी है, क्या है, द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है, मतलब एक संक्षिप्त कहानी है। द आर्टिस्ट क्या है, एक लघु कथा है, एक मिनट, चलिए चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। आप लोग के बुक में द आर्टिस्ट का जो ऑथर के बारे में दिया होगा वो इतना सा छोटा सा दिया होगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओहो मैंने इसमें लिखा ही नहीं, ये आपका आपका बुक से है, यहाँ से इसके नीचे लिखा हुआ ना, आपका बुक से लिखा हुआ है। सिगा नोया का जन्म 1883 में हुआ, 1971 में इनकी मौत हुई। ये आपका टेक्स्ट बुक, ये आपका जो है ना रेनबो पार्ट टू में इतना लिखा हुआ है, ये मैंने इनके बारे में जीवनी लिखी है ऊपर में जो इसके लिखा हुआ ना, है ना, ये आपके टेक्स्ट बुक का है। लेकिन इसके ऊपर जो तीन पैरा लिखा हुआ है ना, ये मैंने खुद से लिखा है, मतलब इनके बारे में खुद, क्या इनके बारे में खुद पढ़ा हूँ, है ना, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा, जरा ध्यान देंगे। कहता है बच्चे ध्यान देंगे, सिगा नोया वाज बॉर्न ऑन February 20, 1883। कहते हैं सिगा नोया का जन्म 20 फरवरी 1883 को हुआ, बच्चे ध्यान देंगे। क्या मैंने बोला, सिगा नोया का जन्म कब हुआ, 20 फरवरी 1883 को सिगा नोया का जन्म हुआ। कहता है कहाँ जन्म हुआ, तो इन इसिनोमाकी, कहाँ, देख एक जापानीज राइटर है ये, कहाँ के बच्चे,
सिगानोया एक जापानीज राइटर है, थोड़े से इनके वर्ड जो है जगह के नाम उसी के अकॉर्डिंग रहेगा ना, इंडियन नहीं तो नहीं रहेगा, है ना, कि दिल्ली मुंबई महाराष्ट्र गुजरात है ना कलकत्ता इस तरह से नहीं रहेगा। ये एक जापानीज राइटर है, तो यह जहाँ कहीं भी इनका नाम रहेगा, चाहे वो बुक का नाम हो या फिर किन्हीं व्यक्ति का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, तो आपको थोड़े से वर्ड टेढ़े मेढ़े मिलेंगे। ओके चलिए, तो कहते हैं इनका जन्म कब हुआ बच्चे, 20 फरवरी 1883 को कहाँ हुआ है, इशिनोमाकी सिटी में हुआ है, जो कहाँ पड़ता है, मियागी में पड़ता है ना, क्या कहता है, परफेक्चर ये प्रांत है, मियागी प्रांत में पड़ता है कहाँ, जापान में। सिगानोया का जन्म कहाँ हुआ बच्चे, जापान में हुआ। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सिगानोया का जन्म कहाँ हुआ, जापान में हुआ है। एक जापानीज राइटर है बच्चे, कैसे राइटर हैं, एक जापानीज राइटर है, एक जापानी राइटर है, जापानी लेखक है, जापानी ऑथर हैं। इनका जन्म 20 फरवरी 1883 को हुआ। द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी कहानी है ना, उसके बारे में हम लोग नीचे चर्चा करेंगे। कहते हैं एंड डैड ऑन अक्टूबर 21, 20 फरवरी को जन्म हुआ, 21 अक्टूबर को इनका देहांत हो गया ना, 20 फरवरी को याद रखेंगे, 20 फरवरी को इनका जन्म हुआ और 21 अक्टूबर को इनका क्या हुआ, देहांत हो गया, 21 अक्टूबर को इनका देहांत हो गया, इनकी मौत हो गई 1971 में, 1971 में 88 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया था, न्यूमोनिया के कारण हुआ था, मैं नीचे डिस्कस करूंगा। कहा हुआ था, इन आतामी सिज़ुओका जापान, है ना, इनका मृत्यु हुआ था आतामी सिज़ुओका जापान में, है ना, देखिए कैसा टेढ़ा मेढ़ा नाम है ना। चलिए ध्यान दें, आपको याद करने वाली बात यह है, 20 फरवरी 1883 को इनका जन्म हुआ था, 21 अक्टूबर 1971 के इनका देहांत हो गया था, जापान में जन्म लिया और जापान में ही मर गए, है ना, याद रखिएगा। कहते हैं सिगानोयाज फादर यानी हिज फादर द सन ऑफ अ सैमुराई, द सन ऑफ द सैमुराई इन द सर्विस ऑफ सुमो डोमेन वाज अ सक्सेसफुल बैंकर। कहते हैं क्या कहते हैं कि ध्यान देंगे, कहते हैं कि डेमोन के सेवा में एक सुमोरई के बेटा जो क्या थे, जो एक सक्सेसफुल एक सफल बैंकर थे, जो एक सफल क्या थे, बैंकर थे उनके पिता, है ना। कहते हैं सिगानोयाज मदर डाइड, ध्यान देना, सिगानोया की मृत्यु हो गई, सिगानोया की माँ की मृत्यु हो गई कब, जब वो सिगानोया 13 वर्ष की उम्र के थे सिगानोया, तब उनकी माँ का देहांत हो गया। एंड हिज फादर रीमैरिड नॉट लॉन्ग आफ्टर, और उनके पिता बहुत समय के बाद शादी रीमैरिड नहीं किए, है ना। चलिए, कहते हैं वेन सिगानोया डिक्लेयर्ड हिज इंटेंशन टू मैरी वन ऑफ द फैमिलीज मेड। आपको देखिए, किसी भी ऑथर के बारे में जो आप पढ़ते हैं ना, तो आपको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है ना, कि इंसान कैसे स्ट्रगल करके कैसे वहाँ तक पहुँचता है। वो देखिए बच्चे, आपको ऑथर हैं राइटर हैं उनके बातों को आप नहीं समझ पाओगे, अगर आप उनकी बातों को नहीं समझ पाओगे, आप उन्हें रिवीजन नहीं करोगे बच्चे, आप उनको पढ़ोगे नहीं, तो आपके मन में ख्याल नहीं आएंगे, आपके मन में किसी तरह की भावना आपको पता ही नहीं चलेगा। कि आपको हमेशा लगता है ना कि छोटे शहर का व्यक्ति हमेशा छोटा काम करता है, अगर किसी को घर से बाहर निकाल दिया गया तो व्यक्ति कुछ बड़ा नहीं करता है, सिर्फ फिल्मों में ऐसा देखने को आपको मिलता है ना। लेकिन आपको रियल लाइफ में आपके ऑथर देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे, तो आपको एहसास होगा कि सिगानोया ने भी कहाँ से कहाँ तक सफ़र किया, जरा देखिएगा, है ना। यहाँ से आपने अभी तो जन्म और मृत्यु के बारे में पढ़ा है ना, और उनके पिता के बारे में पढ़ा है। सिगानोया की माँ की मौत 13 वर्ष की उम्र में हो गई थी, जब वो 13 वर्ष के थे सिगानोया, तब उनकी माँ का देहांत हो गया था। कहते हैं सिगानोया डिक्लेयर्ड कि उन्होंने फैसला लिया, क्या फैसला किया, कि उनके यहाँ काम करने वाली जो मेड है, जो काम करने वाली जो लड़की है ना, जो महिला है, उससे उन्होंने जो फैमिली मेड है जो वहाँ पे काम करती है ना, बाई जिसको बोलते हैं ना, जो सर्वेंट एज अ सर्वेंट के रूप में काम करती है, उनसे सिगानोया ने डिक्लेयर किया कि मैं इस मेड से शादी करूँगा। फैमिली है, उनको अफेयर हो गया, प्यार हो गया था उनको नौकरानी से, है ना। तो उन्होंने क्या वो इंटेंशन क्या दिया अपने परिवार वालों को, क्या बोला कि मैं इस मेड से शादी करूँगा। कहते हैं विद होम ही वॉज हैविंग एन अफेयर, फिर आप लोग नाम सुने होंगे फिल्म इंडस्ट्री में इसको सबसे अधिक प्रयोग होता है ना। कहते जिसके साथ उनका संबंध था, है ना, सिगानोया का संबंध था, उस नौकरानी के साथ में उनका संबंध था। द मेड वाज
रिमूव्ड फ्रॉम द हाउस होल्ड, मेड जो थी उसको घर के जो काम थे जो है ना उसको हाउस होल्ड से बाहर कर देगा, है ना, जो नौकरानी को घर से निकाल दिया गया कि भाई जब तू रहेगी नहीं तो इसको ढोल पीटेगा ही नहीं, है ना। इन्होंने घर से उसको निकाल दिया, और उसको निकालने के बाद तो वहाँ तो निकल गया, लेकिन सीगा नोया को देखना यहाँ पे क्या करना पड़ा। सीगा नोया वॉज सिवरली क्रिटिसाइज्ड फॉर व्हाट हिज फादर फेल्ट वॉज एन इरिस्पॉन्सिबल एंड एमलेस लाइफ स्टाइल। कहते हैं कि और सीगा नोया को इस बात से कड़ी आलोचना की गई, इस बात से पूरा परिवार वाला बहुत आलोचना किया इसका कि कैसा गंदा लड़का है, नौकरानी शादी करेगा, ऐसे वैसे फलान डका चिकान, है ना, इस तरह की जो बातें होती है ना परिवार में, तो उसको आलोचना सुनना पड़ रहा था। और कहते हैं उसके पिता को क्या लगता, उसके पिता को ऐसा लगा कि वह गैर जिम्मेदार और लक्ष्यहीन जीवन शैली थी, है ना, उनकी कैसे थी सीगा नोया की जिंदगी, कि उनका जीवन एक मतलब गैर जिम्मेदार व्यक्ति की तरह हो गया था और एमलेसली वो कर रहे थे, मतलब उनको कोई जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं था, उनको कोई जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं बचा था, वो इस तरह से बिहेव कर रहे थे सीगा नोया, है ना। तो आगे देखिए इनके साथ क्या क्या घटनाएं घटित होती है। तो देखिए बच्चे, परिवर्तन संसार का नियम है ना, परिवर्तन संसार का नियम है, आपको वो जगह वो एहसास आपको एक दिन मिल जाता है। देखना बहुत मैंने बहुत प्रयास किया इसको बड़ा करने का, हुआ नहीं यार। कहते हैं सीगा नोया ग्रेजुएटेड फ्रॉम द, इन्होंने पढ़ाई किया, ग्रेजुएट किया है ना, कौन सा एलिमेंट्री स्कूल से इन्होंने अपना ग्रेजुएट किया है। कहते हैं अटेंड टोक्यो एम्पायर यूनिवर्सिटी फ्रॉम 1906, और 1906 में इन्होंने यूनिवर्सिटी से पास किया। कहते हैं कि सीगा ने एलिमेंट्री, कहते गुशिया है ना, गुकुशियन पियर एलिमेंट्री स्कूल से स्नातक की उपाधि ली, स्नातक की डिग्री पास की, है ना, स्नातक पास किया, ग्रेजुएशन किया। और कहते हैं कि 1906 में टोक्यो इंपीरियल यूनिवर्सिटी में भाग लिया, और 1906 में जाकर के टोक्यो जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो है, टोक्यो इंपीरियल यूनिवर्सिटी में 1906 जाकर के इन्होंने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, है ना, किसी फंक्शन में। कहते हैं हाउ एवर हालांकि ही वॉज, देखना यहाँ पे कितना खूबसूरत बात यहाँ पे लिखा हुआ है और कैसे इन्होंने आगे बढ़ा है। कहते हैं ही वॉज अ मेडिक्योर स्टूडेंट एंड लेफ्ट यूनिवर्सिटी इन 1910। कहते हैं वो एक क्या थे, मेडिक्योर थे, मतलब एक बहुत ही मतलब एक होता ना कि नॉर्मल स्टूडेंट थे, है ना, वो पढ़ाई में कैसे थे, वो एक औसत जो एक होता है ना एवरेज स्टूडेंट जिसको बोलते हैं, नॉर्मल, है ना, पढ़ने में ना कोई ज़्यादा तेज है ना कोई कमज़ोर है, मतलब मिनिमम ठीक ठाक है बच्चे, है ना। तो इस तरह से उनका क्या था, पढ़ाई था। तो कहते हैं कि वो क्या थे, यूनिवर्सिटी में 1910 ईस्वी में उन्होंने स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से छोड़ दिया, और बिना ग्रेजुएशन उन्होंने पूरी तरह से उन्होंने ग्रेजुएशन पास नहीं किया था, और 1910 में उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री मतलब नहीं पूरा किया, उन्होंने पढ़ाई पूरा नहीं किया ग्रेजुएशन, और 1910 में अपना यूनिवर्सिटी अपना कॉलेज छोड़ दिया। कहते हैं हिज लिटरेरी करियर, उनका जो लिटरेरी करियर था वो कहता है बिगैन विद द हैंड रिटन लिटरेरी मैगजीन, बिगैन विद द हैंड रिटन लिटरेरी मैगजीन बोया। इन्होंने एक मैगजीन लिखा जिसका नाम था क्या, बोया, और हैंड रिटन वो हाथ से लिखा हुआ था। इन्होंने अपना लिटरेरी करियर मतलब लेखन का जो क्षेत्र था, लिखने का जो कला था, उन्होंने अपना उनका साहित्य का जो करियर था वो एक मैगजीन से शुरू किया जिसका नाम था बोया। क्या नाम था, बोया नाम था, बाय मिस्टेक परस्पेक्टिव हो गया। कहते 1910 में, कहते हैं 1910 में सीगा नोया कॉन्ट्रीब्यूटेड द स्टोरी अबासिरी मेड टू अबासिरी टू द फर्स्ट इशू टू लिटरेरी मैगजीन सिराकाबा विच ही हेल्प टू क्रिएट। सीगा अनाउंसड हिज इंटेंशन टू बिकम अ प्रोफेशनल राइटर। इसको जरा समझिए, कहते हैं कि सीगा नोया ने क्या किया, सीगा नोया 1912 में ये कहानी इनको लिखने की था, तो ए अबासिर जो 1910 में साहित्यिक पत्रिका था, एक लिटरेरी पत्रिका एक मैगजीन आता था जिसका नाम था सिराकाबा, के पहले अंक में है ना अबासिरी की कहानी का योगदान दिया, इन्होंने कहानी लिखी है ना, विच ही हेल्प टू क्रिएट, उन्होंने जिन्होंने उनको बनाने में मदद की, यही चीज था जो उनको आगे जाके करियर में मदद किया। सीगा नोया अनाउंसड, सीगा नोया ने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया, कि वो एक प्रोफेशनल राइटर बनेंगे, वो एक प्रोफेशनल, जैसे आज के जैसे प्रोफेशनल राइटर अगर नहीं होते तो उनका ये कहानी लिखा ही नहीं होता ना,
तो उन्होंने अनाउंस किया क्या कि वो एक प्रोफेशनल राइटर बनेंगे। देखिए तो एक वैसे लड़के जिन जो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी तरह से नहीं की, पहले बात, दूसरा एक वैसे लड़के जिनको आगे जाके देखिएगा, इनको घर से बाहर निकाल दिया गया था, घर से इनको बाहर हो गए थे, है ना। इनको आगे देखें ना, आगे पता चलेगा आपको। यहाँ पे कहता है 1912 ही पब्लिश्ड उन्होंने पब्लिश किया क्या, ओतसु जोंकिची अथिंकली वैलिड ऑटोबायोग्राफी फॉर हिज अफेयर विद द फैमिली मेड। उनका जो अफेयर हुआ था ना फैमिली मेड के साथ, जो नौकरानी के साथ उनका जो अफेयर हुआ था, है ना, उनको उन्होंने क्या किया, पब्लिश किया। किस नाम से पब्लिश किया? ऑटोबायोग्राफी, अपने बारे में कहानी लिखे उस अफेयर के बारे में, और पब्लिश किया कहाँ पे? इसका नाम क्या था? ओतसु, है ना, ओतसु जुंकिची, है ना, ओतसु जुंकिची। 1912 में इस कहानी को उन्होंने पब्लिश किया। थोड़ा सा, 1 मिनट और जरा सब्र करेंगे, फिर हम लोग का इसके बारे में स्टोरी समाप्त होता है। कहते हैं ड्यूरिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड शिगानोया एस्टैब्लिश द रिपुटेशन वॉज अ राइटर फॉर ऑफ अ सॉर्ट ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरी के क्षेत्र में, मतलब लघु कथा लिखने के क्षेत्र में उन्होंने अपना करियर को एस्टैब्लिश, मतलब एस्टैब्लिश क्या होता है, खड़ा कर लिया था, अपने आप को स्थापित कर लिया था शॉर्ट स्टोरी लिखने के क्षेत्र में, कि भाई मैं शॉर्ट स्टोरी ही लिखूंगा। और वो शॉर्ट स्टोरी के क्षेत्र में उन्होंने अपना करियर को एस्टैब्लिश कर लिया, यानी स्थापित कर लिया था, है ना। चलिए आगे देखिए, इन्होंने कुछ कुछ लिखे हैं। कहते हैं क्या क्या लिखे हैं, इंक्लूडिंग कोशिमरी, द रेजर 1910 में लिखा था, सिबई टू हाइटन, ये सिबईज गार्ड, यहाँ पे सिबई की गार्ड की बात हुई 1913 में, एंड एंड मंजूरू 1920 में इन्होंने का रचना इनका था। इनको पुरस्कार भी मिला है, कौन सा पुरस्कार आगे देखेंगे, ऑर्डर ऑफ मेरिट का इनको पुरस्कार मिला था। कहते हैं आफ्टर सीगा नोए मैरिड द कजिन, ध्यान, इन्होंने शादी किया, देखो किनसे शादी किया था बच्चे, सैंतोसु मुशानकोजी की एक कजिन थी। तो कजन यहाँ लड़की से ही शादी करेंगे ना, कजन थी, एक चचेरी या ममेरी कोई बहन होगी, है ना। हुआज कहते हैं, हुआ जो क्या थी, विडो थी, पहले से ही विधवा थी, ऑलरेडी विद अ चाइल्ड, उनकी एक बच्ची थी, जो महिला थी ना उसके एक बच्चे थे, और पहले से ही विधवा थी, है ना। इन 1914 उसी से सीगा नोया का शादी हुआ। 1940 1914 में द ब्रेक इन रिलेशनशिप विद हिज फादर बिकेम कंप्लीट एंड रिनाउंस्ड हिज इनहेरिटेंस। कहते हैं कि आगे चल के 1914 में क्या हुआ, ध्यान देना, 1914 में क्या हुआ, इनका अपने पिता से संबंध विच्छेद, मतलब हो गया, यहाँ पे संबंध टूट गया उनके पिता के साथ, एक रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, मतलब किसी कारण से ऐसा हुआ होगा, है ना। और देखिए इन्होंने शादी, पहले तो अफेयर किया मेड से, फिर उन्होंने शादी किया एक वैसी महिला से जो पहले से ही वीडियो, तो उसके अलावा एक वैसी महिला से जो पहले से एक बच्चे की माँ थी, है ना। और सिर्फ घर से ही नहीं निकल गया, उनको घर से ही नहीं निकाल देगा, बल्कि वो पूरी संपत्ति जो थी ना, उनके नाम की जो संपत्ति आती, तो वो भी उनको एक कन भी उनको संपत्ति नहीं मिला, है ना। यानी उनको जितना जो पैतृक संपत्ति थी सिगानोया का, वो पैतृक संपत्ति भी सिगानोया को नहीं मिला, है ना। सिगानोया यूं ही बाहर निकल गए, उनको कुछ नहीं मिला, ना तो संपत्ति मिला, ना कोई पैसा मिला। तो देखिए एक व्यक्ति जो न तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, वो एक राइटर बनने को सोचा, एक इंटेंशन लिया मन में कि हमें राइटर बनना, एक प्रोफेशनल राइटर बनना, वो भी शॉर्ट स्टोरी हमको लिखना है, क्योंकि मैं उस चीज को लिखने में माहिर हूँ। तो जो व्यक्ति जिस चीज के लिए अगर डेडिकेट होता, अगर वो अपना इंटेंशन रखता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करूंगा, तब डेफिनेटली आप देख रहे हो ना कि एक वैसे व्यक्ति जिनको 1914 में घर से बाहर कर दिया, 10 में उन्होंने ग्रेजुएशन से निकल गया था, और आज वे क्या है, एक प्रोफेशनल राइटर हैं, उनको एक संपत्ति का एक कोना, एक अंश भी नहीं दिया गया, फिर भी वो एक बड़ा राइटर बन गए, कैसे, जरा देखिएगा। सीगा वाज अवार्डेड, सीगा नोया को अवार्ड दिया गया, कौन सा अवार्ड, ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, सीगा नोया को अवार्ड दिया गया, कौन सा, ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड मिला, क्यों, किससे मिला, तो बाय द जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा शिगानोया को अवार्ड मिला। कब मिला, 1949 1949 में शिगानोया को ऑर्डर ऑफ कल्चर का अवार्ड मिला। जितने अवार्ड जो राइटर को मिले बच्चे, एकदम शुरू से मैं सीरियली लिख दूंगा, 1948 में किसको मिला, 1949 में, 1964 में, 1968, इस तरह जो भी है मैं आपको लिख कर दे दूंगा, है ना, एक बार मैं पूरा एक साथ दे दूंगा, है ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए। कहते ही डाइड ऑफ न्यूमोनिया, क्या पढ़ते हैं इसको, न्यूमोनिया का आप लोग का स्पेलिंग जरा देख कर, जरा टाइप करके मुझे जरा सेंड कर दें, न्यूमोनिया, है ना। 1949 में इनको ऑर्डर ऑफ कल्चर का पुरस्कार मिला जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा, और उनकी मौत न्यूमोनिया के कारण हो गई, आफ्टर लॉन्ग इलनेस एट द एज ऑफ 88 88 वर्ष की उम्र में इनको
बड़े लंबी समय की बीमारी के कारण इनको मौत हो गया। निमोनिया जो था इनके लंबे समय से था और 88 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया निमोनिया से। ओके चलिए हम लोग वो लाइन पढ़ लेते हैं जो आपके बुक में, आपके राइटर, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, मैं वो लाइन भी आपको पढ़ा देता हूँ, है ना। चलो PNEUMONIA, निमोनिया आप लिखने से फायदा हो जाएगा ना कि आपको निमोनिया का स्पेलिंग अच्छा से क्लियर हो जाएगा। निमोनिया याद करोगे तो बहुत सा है ना, न्यूमोन अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिकोबोल कैनकोनियोसिस, मैंने जो भी वर्ड बोला वो 45 लेटर्स का है। मैंने कौन सा वर्ड बोला कोई लिख कर बताएंगे, न्यूमोन अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिकोबोल कैनकोनियोसिस, ये 45 लेटर्स का मैंने वर्ड बोला। कहते हैं सीगा नोया का जन्म, ये तो पता है मैंने आपको बता दिया, इज सेलिब्रेटेड जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये क्या थे, जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर थे ऑफ द 20th सेंचुरी। आपको तो डेट ऑफ बर्थ से पता कर लोगे कि 21 सेंचुरी के कवि थे या राइटर थे, तो 20वीं शताब्दी के राइटर थे। कहीं में 20वीं शताब्दी के राइटर थे। कहते हैं ही रोट वेरी सेंसिटिवली अबाउट हिज पीपल, है ना, एंड देयर कल्चर, एंड देयर कल्चर। सीगा नोया ने क्या किया, अपने अपने लोगों के बारे में, मतलब अपने अपने लोगों और अपने कल्चर के बारे में, सीगा नोया ने क्या किया, अपने लोगों और अपने कल्चर के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में संवेदनशील तरीके से लिखा है। संवेदनशील तरीके से अपने लोगों और अपने कल्चर के बारे में लिखा, बड़ी बड़ी भावुकता ढंग से लिखा है, एकदम संवेदनशील समझते हो ना, एकदम नाजुक ढंग से लिखा है। द आर्टिस्ट अनफर्ल मिस होता है बच्चे, स्प्रिट मतलब बढ़ाना होता है या शो करना होता है, दिखाना होता है। बिफोर अस द वर्ल्ड ऑफ टैलेंटेड जैपनीज बॉय से भाई, इट शोज हाउ द अडल्ट वर्ल्ड ऑफन कॉजेज डैमेज टू सच टैलेंट्स। ओ मैं तो भूल गया था ना, मुझे जूम कर थोड़ा मैं कैपिटल करता बड़ा करता तो शायद ये नौबत नहीं आता, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है मुझे, मतलब लाइनिंग कर रहे हैं मुझे क्लियर नहीं बन रहा है। चलिए जरा देखिएगा क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोला गया कि द आर्टिस्ट अनफर्ल्स, अनफर्ल्स मीन्स क्या होता है बच्चे, अनफर्ल मीन्स होता है बढ़ाना या शो करना या दिखाना भी होता है या स्प्रेड करना होता है, इसका सिनोनिम से लिख सकते हो। बिफोर अस द वर्ल्ड ऑफ अ टैलेंटेड जैपनीज बॉय सिबी, इट शोज हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफ इन कॉजेज डैमेज टू सच टैलेंट्स। कहते हैं कि द आर्टिस्ट, यह कहानी द आर्टिस्ट हमारे सामने, मतलब हम लोगों के सामने एक प्रतिभाशाली जापानी लड़के सेबई की दुनिया को उजागर करता है, सेबई की दुनिया को दिखाता है, शो करता है, उजागर करता है, अनफॉल्स करता है, क्या करता है, इट शोज हाउ द अडल्ट वर्ल्ड, ये दिखाता है कि इट शोज, यह दिखाता है कि कैसे, यह दिखाता है क्या कि जो बालिग लोग हैं, जो वयस्क हैं, जो आदमी लोग हैं, जो बड़े बड़े जो मतलब हम लोग से जो बड़े होते हैं ना, बड़े लोग है ना, जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, दैट मीन्स बड़े बड़े अमीर लोग की बात नहीं, जो उम्र में बड़े होते हैं उनकी बात हो रहा है ना, वयस्क जिसको बोलते हैं, बालिग बोलते हैं ना, अडल्ट जिसको बोलते हैं, वयस्क लोग जो होते हैं, जो बालिग लोग होते हैं, बालिग लोग क्या करते हैं, दुनिया कहते हैं, यह दिखाता है कि वयस्क दुनिया, जो लोग बड़े लोगों की दुनिया है, अक्सर ऐसी प्रतिभाओं को कैसे नुकसान पहुंचाती है। इस कहानी में ये बताया गया है कि जो बड़े लोग हैं, जैसे माता पिता हो गए, बड़े भाई हो गए, जैसे बच्चे का शौक कुछ है, वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन माता पिता क्या कहते हैं, नहीं तुमको IAS ही बनना है, तुमको इंजीनियर ही करना है, तुमको डॉक्टर ही बनना है, तुमको ये फलान ढकान चिकान ही बनना, लेकिन बच्चे से तो पूछो कि उनको बनना क्या है, है ना। तो इस तरह से बच्चे की दुनिया को वो बड़े लोग क्या करते हैं, उनको कुचल देते हैं, उनको नुकसान पहुंचा देते हैं, और आगे चलकर वही बच्चा फिर कुछ नहीं कर पाता, तो माँ बाप फिर वही बोलते हैं कि बच्चा बेरोजगार है, क्या बोलते हैं, बच्चा बेरोजगार है। तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कहीं पे अगर कारण है कोई और है बच्चे, तो उसका एक ही कारण है, वह है उनके खुद माता पिता, है ना। हमेशा माता पिता अच्छे ही सोचते हैं मुझे, हाँ मुझे पता है, लेकिन बाय मिस्टेक समझते हैं, गलती से भी कभी कभी ऐसा होता है कि उनके आपके माता पिता जो हैं आपके बारे में तो सोचते सही हैं, लेकिन गलती से गलती हो जाती है, है ना। चलिए न्यूमोनिया, क्या वीडियो रुक जाता है, चलिए ठीक है आगे बढ़ें।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चे द आर्टिस्ट के बारे में। मैंने क्या बोला, द आर्टिस्ट क्या है बच्चे, ध्यान देंगे, द आर्टिस्ट क्या है, द आर्टिस्ट का मतलब, आर्टिस्ट का मतलब होता है बच्चे कलाकार, ये एक नाउन है, इसके पहले इसलिए क्या लगा दिया, द लगा दिया, और किसी खास बच्चे की बात हो रही इसलिए यहाँ पे द आर्टिस्ट लगा दिया, नहीं तो एन आर्टिस्ट होता है ना, किसी बच्चे की बात नहीं, किसी कलाकार की नहीं, बल्कि एक ऐसे कलाकार की बात हो रही है जिसकी उम्र 12 वर्ष की, वो एक जयपुरी लड़का है जिसका नाम है सिबई है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बच्चे, यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति, अभी मैंने लास्ट में जो दो लाइन बोला उसको आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत खूबसूरत बात दिखेगा, और बात ये होगी कि व्यक्ति जो है कैसे अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाते हैं, कैसे अपने बच्चे को अपने उनको टैलेंट से उनको, जैसे कोई बच्चे को बहुत पेंटिंग का शौक है तो माँ बोलेंगे नहीं नहीं पेंटिंग पे मत जाओ क्योंकि पेंटिंग में पैसा कमाता है, तो कहाँ जाए, तो भाई आप ये कर लो, परमानेंट सिचुएशन को दिखाते हैं, भाई जब तक आप दुनिया में हो आप किसी भी काम को करके पैसा कमा सकते हो, आपको कभी पैसे की कमी होने वाली नहीं है, हर क्षेत्र में पैसा है, जिस क्षेत्र में आप जाओगे, टीचिंग है, लर्निंग है, एक्टिंग है, कोई भी किसी भी प्रोफेशन में जाओ आपके पास पैसे ही पैसे आने वाले हैं ना, चाहे वो मीडिया एंटरटेनमेंट या किसी में भी जाओ, है ना, ऐसा कभी नहीं कि आप जाओगे किसी क्षेत्र में आपको आपको पैसा नहीं मिलेगा, हर क्षेत्र में आपके लिए पैसा है। चलिए आगे देखिए, अभी कहते हैं हम लोग सिबईज पेरेंट्स, सिबई के पिता माता पिता जी कहते हैं, ध्यान देना, सिबईज पेरेंट्स न्यू दैट, मुझे अंडरलाइन करने में नहीं बन रहा है, सिबईज पेरेंट्स न्यू दैट, सिबई के माता पिता जानते थे दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ गार्ड्स, सिबई के माता पिता जानते थे, क्या जानते थे बच्चे, क्या जानते थे कि सिबई को प्रायः, कि क्या जानते थे कि सिबई प्रायः तुम्बा खरीदने, गार्ड मीन्स यहाँ पर तुम्बा होता है, गार्ड मीन्स क्या होता है, तुम्बा होता है, गार्ड मीन्स तुम्बा भी होता है, आप लवकुक कद्दू भी बोल सकते हो ना इसको समझने के लिए, आप लोग कद्दू तो देखे होंगे ना, इतना छोटा आता है, अभी कद्दू का तो सीजन भी है, तो हमारे यहाँ कद्दू तो इस तरह लंबे होते हैं ना, वहाँ आपका ना यहाँ भी कद्दू तरह तरह के होते हैं, कद्दू आता है गोल किस्म का, है ना, आप लोग देखे होंगे गाँव में, मैंने बचपन में देखा है, खाया भी है, बहुत मज़ा आता है गोल वाला कद्दू, एक आता है गोल वाला कद्दू, एक टेढ़ा मेला करके कद्दू आता है, वो जापान में बहुत अधिक फेमस है, वो सब सारा वहाँ पे कलाकृति, वहाँ पे उसके उस पर आर्टिस्ट, उस पर कला होता है ना, तो कहते हैं सिबईज पेरेंट्स, सिबई के माता पिता जानते थे क्या कि सिबई ऑफन मीन्स प्रायः वेंट मीन्स जाता है, आउट मीन्स बाहर, टू बाई मीन्स खरीदना, हिमसेल्फ मीन्स खुद को, है ना, गार्ड मीन्स खुद को क्या करता है, कहते हैं कि सिबई क्या करता है, प्रायः तुम्बा खरीदने के लिए बाहर जाता है, सभी क्या करता है, प्रायः तुम्बा खरीदने के लिए बाहर जाता था, ही गॉट देम फॉर अ फ्यू सेन एंड सून हैड अ सीजेबल कलेक्शन, कहते हैं कि ही गॉट, कहते हैं कि वे क्या करते, कहते तुम्बे से कुछ, कहते तुम्बा से, कहते हैं यहाँ पर तुम्बे की बात हो रही है, कहते हैं ही गॉट देम फॉर अ फ्यू सेन एंड सून हैड अ सीजिएबल कलेक्शन, कहते हैं कि उसे कुछ सेन से, मतलब कुछ सेन, सेन यहाँ पर जो वर्ड हुआ ना, सेन एक जापानी मुद्रा है, ध्यान देना, सेन क्या बच्चे, जापान की मुद्रा है, उसको हम लोग बोलते हैं सेन, जैसे इंडिया की मुद्रा क्या है तो आपको रुपीज है ना, इंडिया की मुद्रा क्या है, रुपीज है, तो उसी तरह से वहाँ की मुद्रा क्या है, सेन है, तो कहते गॉट देम, कहते हैं कि उसे कुछ सेन से, जैसे कैसे कहता, कुछ रुपया से उन्होंने तुम्बा खरीद लेता है, तो कुछ सेन से उसे तुम्बा मिल जाता था, तुम्बा उसे कुछ सेन में खरीद लेता था, कुछ तुम्बा को वो कुछ सेन, मतलब कुछ मैं आपको रुपया दूं बोलूं, कुछ रुपये से वो क्या करते थे, खरीद लेता था, यहाँ पास सेन मैंने बोला सेन है ना, सेन क्या प्रश्न उठता है, सेन क्या बस अच्छे, तो सेन क्या है, जापानी मुद्रा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेन, कहते हैं सून हैड अ सीजिएबल कलेक्शन, और कहते हैं और कुछ ही समय में उसके पास तुम्बो की क्या हुआ, तुम्बा की जो गॉड की जो थी उसके पास एक बहुत बड़ी कलेक्शन हो गई ना, कुछ ही समय में उसके पास तुम्बा काफी संग्रहण में हो गया, बहुत सारी तुम्बा उसके पास हो गया, क्योंकि वो कलेक्ट करता था ना तुम्बा को, है ना, इसके वजह से, कहते व्हेन ही केम होम, जब वह घर आया ही वुड फर्स्ट, जब भी कभी वो घर आता तो क्या करता, ही वुड फर्स्ट बोर अ नीट होल इन द टॉप ऑफ द गार्ड, क्या करता था,
कि जब भी कभी क्या करता, वह घर लौटता, जब भी कभी क्या करता बच्चे, वह घर लौटता तो सबसे पहले क्या करता, ही वुड फर्स्ट बोर अ नीट होल इन द टॉप ऑफ द गार्ड, वह क्या करता तुम्बे के सिर में एक साफ सुथरा छेद करता, जैसे तुम्बा ना उसके छेद पे ना उसके माथे पे एक साफ सुथरा एक छेद करता, और छेद करके क्या करता, छेद कर क्या करता एंड एक्सट्रैक्ट द सीड्स, और छेद कर क्या करता उनके जो जितने बीज होते थे कद्दू में, जो बीज होते हैं इतने बड़े बड़े बीज होते हैं ना, और अंदर में जो भी गुद्दा होता है ना उसको क्या करता था, वो उसको अंदर से निकाल, मतलब कद्दू को खोखला करता था, कद्दू को क्या कर देता था खोखला कर देता था, एंड करते हैं एंड नेक्स्ट ही अप्लाइड टी लीव्स टू गेट ऑफ द अनप्लीजेंट गार्ड स्मेल, कहते हैं और आगे क्या, उसको पहले पूरा कद्दू को अंदर से खोखला कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया, पूरे बीज को निकाल लिया, और क्या किया, बीज निकाल लेने के बाद क्या करता था, उसके बाद वो क्या करता है उस तुम्बे में, उस बीज में, उस गार्ड में क्या करता, वो अप्लाई टी लीव्स, टी लीव्स समझते हो, मतलब जो लीव मिस होता है छोड़ना, और टी मिस होता है चाय, उसके पिताजी जो चाय पीते थे ना, चाय के पत्ती है ना, वो क्या करता, चाय के पत्ती को पानी में घोल करके है ना, उसको कद्दू में जो अंदर में होता है ना, देख तो कद्दू का एक स्मेल आता है अजीब सा है ना, तो कहते हैं उसके बाद वह तुम्बे की गंदी थोड़ा गंध को, बदबू को छुटकारा पाने के लिए, उसको हटाने के लिए, अनप्लीजेंट स्मेल को हटाने के लिए, बचने के लिए उसमें चाय की पत्ती को रगड़ता था, अंदर में चाय की पत्ती को रगड़ता था, जिसके कारण उसके कद्दू से बदबू हट जाते थे। कहते हैं ही देन फिक्स्ड द सेक व्हिच ही हैड सेव्ड अप फ्रॉम द ड्रग्स इन हिज फादर्स कप एंड केयरफुली पॉलिश्ड द सरफेस। इसको जरा ध्यान समझिएगा, मैं थोड़ा एक साथ लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लिखने में थोड़ा नहीं बन पा रहा है ना। कहते हैं कि ही देन फिक्स्ड द सेक, कहते हैं फिर वह सेक लाता, तो सेक वहाँ पे एक तरह की शराब होती, एक तरह के आप कह सकते हो कि जूस होता है जो लोग वहाँ पे अपने घर में बना करके पीते हैं। हाँ वही होता है बच्चे, तुम्बा नहीं पंपकिन समझते हो ना, कद्दू समझते हो ना, कद्दू हर घर में होता है, हर पूरे दुनिया में कद्दू है ना, चलिए उसी को बोलते हैं है ना, तुम्बा बोलते हैं ना, हिंदी मैंने इसको तुम्बा बोल दिया ना। चलिए तो कहते हैं कि वह सेक लेता, सेक समझते हो सेक क्या है, तो सर यहाँ पर सेक का मतलब बच्चे आप शराब होते हैं या फिर शरबत होते हैं, वहाँ जापान में चावल के माध्यम से बनाया, चावल के बनाया जाता है, वहाँ पर सेक बनाया जाता है, चावल के माध्यम से बनता है कि पता नहीं किस तरह से मारूड से बनता है ना, उसको वहां सेक बोलते हैं। विच ही हैड सेव्ड अप फ्रॉम द ड्रग्स, कहते हैं जब उनके पिताजी वो पी रहे होते हैं सेक को, तो जो उसने पिता के कप में अंतिम बूंद जो थोड़ा थोड़ा नहीं छोड़ देते हो, आप लोग देखते होंगे कि जब बड़े बुजुर्ग हैं तो चाय पी रहे हैं या कुछ पी रहे हैं तो थोड़ा सा कप में छोड़ देते हैं है ना, कहते हैं कि जो है चींटी उड़ खा लेगा है ना, इस तरह छोड़ देते हैं या भोजन या फिर पानी कुछ भी तो छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे जो जब उसके पिताजी जब सेक पीते थे तो उसके पिता भी जो कप में कुछ बूंद को कुछ जो सेक होते थे उसको छोड़ देते, उसको वहीं पे कप में छोड़ देते थे, तो उसी बचे हुए सेक से, उसी बचे हुए जो अंतिम बूंद से बचा हुआ सेक रहता था उसी को लेकर के एंड केयरफुली पॉलिश्ड द सरफेस, और सतह को क्या करता था ध्यान से उसको पॉलिश करता था उसी सेक से। क्यों, ध्यान दो, पहले तो भाई आपको क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में या फिर कभी आपसे पूछेगा सर वो थोड़ा ड्रिंक होता है ना, हाँ ड्रिंक होता है एक तरह का, एज अ टाइप ऑफ ड्रिंक होता है। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा बच्चे, ध्यान देना क्वेश्चन कैसे पूछेगा इस पैरा से कि सेवई गॉड के, ध्यान देना सेवई गॉड के अनप्लीजेंट स्मेल को दूर करने के लिए क्या करता था, तो क्या बोलोगे सेवई गॉड के अनप्लीजेंट स्मेल को भगाने के लिए, अनप्लीजेंट स्मेल को दूर करने के लिए टी लीव्स का प्रयोग करता था, पॉलिश नहीं करता था, टी लीव्स है ना मतलब चाय की पत्ती का वो प्रयोग करता था ताकि उससे उसके जो स्मेल जो बदबू आते थे जो गंध आते थे उससे वो बदबू क्या हो जाए समाप्त हो जाए है ना। चलिए तो यहाँ तक बच्चे क्लियर हो गया ना, चलिए जल्दी बोलिए क्लियर हो गया तो फिर ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ। कल मैं जो भी पैरा बचेगा ना कल मैं इसको बड़ा जूम कर दूंगा थोड़ा सा, मुझे लगा कि हो जाएगा, मुझे स्क्रीन पे लैपटॉप में बड़ा ही दिख रहा था लेकिन मैं बड़ा करना भूल गया। चलिए
कहते हैं, जरा ध्यान देंगे, कहते हैं सेबई वाज पैसिनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स। पैसिनेट समझते हो, मैंने आपको बार बार बोला पैसन, पैसन समझते हो बच्चे, पैसन क्या होता है, पैसन समझते हो, जुनून समझते हो, जुनून कि आपको कोई व्यक्ति किसी भी कार्य के पीछे दम लगा हुआ रहता है ना, किसी भी कार्य के क्या होता है पीछे लगा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं जुनून, है ना, एक पैसन है। कहते हैं सेबई वाज पैसिनेटली, वो पैसिनेट था, पैसिनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स। सेबई को तुम्बे में, ध्यान, सेबई को तुम्बे में तीव्र रुचि थी, मतलब बहुत अधिक रुचि थी। कहने का तात्पर्य यह है कि सेबई जो है तुम्बों का शौकीन था। सेबई इज फॉन्ड ऑफ गॉड्स। सेबई जो था वो किसका शौकीन था, तुम्बों का, मतलब तुम्बा का वो क्या था बच्चे, शौकीन था। क्वेश्चन भी आएगा कि सेबई किस चीज का दीवाना था, तो क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे, तुम्बा। आप लोग गॉड्स लिखकर भेजो। क्वेश्चन आएगा कि सेबई किस चीज के लिए पैसिनेट था, क्या, या फिर किस चीज में इंटरेस्ट लेता था, तो गॉड मीन्स कद्दू भी होता है बच्चे, सूजी, कद्दू, तुम्बा, जो बोलना है बोलो, वहाँ वहाँ की भाषा में तुम्बा बोलते हैं, है ना, वहाँ की भाषा में तुम्बा ही बोलते हैं। तुम्बा भी बोल सकते हो, कद्दू बोल सकते हो, जो इच्छा आपको वो बोलो, कोई आपको रोक टोक करने वाला नहीं है, ना, ये आपकी मर्जी है, क्यों दोनों मीनिंग होता है ना, इसका मीनिंग दोनों होता है, सो आप जो आपकी इच्छा हो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओके, चलिए, चलिए आगे बढ़े। देखिए एक वर्ड का बहुत सारा अर्थ निकलता है बच्चे। ओके ओके, गॉड्स। चलिए अभी आते हो सूर्य जी, 36 मिनट में। चलिए आगे देखते हैं बच्चे। कहता वन डे, एक दिन, कहता वन डे, एक दिन, एज ही वॉज स्ट्रोलिंग अलॉन्ग, बहुत मोटा हो रहा ना, वन डे एज ही वॉज स्ट्रोलिंग अलॉन्ग द बीच। कहते यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात है, कहते हैं कि एक दिन जब वह समुद्र के किनारे टहल रहा था, एक दिन सेबई जब समुद्र के किनारे टहल रहा था, एब्जॉर्ब, कहते हैं धांधना, कहते हैं एब्जॉर्ब्ड इन हिज, लिखाओ यार, इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था, तो बस एक ही चीज था, क्या, गॉड, उसको गॉड ही पसंद था, हमेशा वो गॉड के वो हमेशा गॉड के पीछे ही दीवाना रहा, उसको कुछ भी गोल दिखता उसको लगता कि कद्दू ही है ना, उसको लगता तुम्बा ही है ना। तो कहते हैं वो एक बार बीच के किनारे टहलने के लिए, समुद्र के बीच के किनारे कहाँ गया था, समुद्र के किनारे टहलने गया था, ऑब्जर्व इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, उसने क्या चीज को ऑब्जर्व किया, अपने मनपसंद विषय में मग्न था, है ना, मतलब अपने मनपसंद विषय में मग्न था। ही वॉज स्टार्ट, ध्यान रखता, ही वॉज स्टार्टल्ड बाई एन अनयूजुअल साइट, ही कॉट अ ग्लिम्प्स ऑफ द ब्लेड इलॉन्गेटेड हेड ऑफ एन ओल्ड मैन हरिंग आउट, इसको चलो आगे हम पढ़ते हैं, हरिंग आउट ऑफ वन ऑफ द हर्ट्स बाई द बीच। इसको शुरू से पढ़िए, कहते हैं कि तुम्बा में क्या कहते हैं कि सेबई क्या था, अपने मनपसंद सब्जेक्ट में मग्न था, वो एक तरह से अपने में लीन था, है ना। कहते हैं ही वॉज स्टार्टल्ड बाई अनयूजुअल साइट, तभी वो क्या देखता है कि वो एक अनोखा दृश्य देखकर चौंक गया, एक अजीब सा दृश्य देख करके वो चौंक गया, क्या देखकर चौंका, कहते हैं ही काउट, ऊपर से थर्ड लाइन, ही काउट अ ग्लिम्प्स ऑफ द ब्लेड, ग्लिम्प्स ऑफ द ब्लेड, है ना, ब्लेड ब्लेड, कहते हैं तो उसने क्या देखा कि उसने एक गंजे, ध्यान देना, उसने एक गंजे एलॉन्ग्ड हेड ऑफ एन ओल्ड मैन, एक लंबे सिर वाले बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक लंबे सिर वाले बूढ़े गंजे व्यक्ति को देखा, उसको ऐसा लगा, और क्या देखा, हरिंग आउट, हरिंग मीन्स क्या होता है, तेज होता है ना, जल्दी होता है, कहते हैं हरिंग आउट ऑफ वन ऑफ द हर्ट्स बाय द बीच, कहते हैं कि क्या देखा, समुद्र के किनारे एक झोपड़ी में से तेजी से बाहर निकलते देखा, जो ध्यान दे, कहते हैं सेबई क्या था, अपने सब्जेक्ट में मग्न था, अपने सब्जेक्ट में मग्न था, तभी वो एक अनोखा दृश्य जो सीन था उसको देख करके वो चौंक गया, कैसे, तो एक ध्यान देना, कहते एक लंबे सिर वाले बूढ़े व्यक्ति के गंजे सिर को देखकर, जो सिर था क्या था उसका, गंजा था सिर उसका, लंबा था, तो सेबई को लगा कि कहीं वो कद्दू तो नहीं है, बूढ़े के व्यक्ति के गंजे जो सिर था ना उसको लगा कि कद्दू है, थोड़ा सा धूप में जब देखो टकला आपका क्या होता है, धूप में थोड़ा चमकता है ना,
तो कहता है उसको ऐसा लगा, वो भी बीच के किनारे था, नदी के किनारे था, समुद्र के किनारे, तो वहां पे चमक उठती है ना, तो उसको लगा कि कद्दू है। तो वो उसको लगा रही कितना, मतलब इतना बड़ा कद्दू उसको। लेकिन वो अचानक क्या देखता है कि समुद्र के किनारे की एक झोपड़ी में से तेजी से बाहर निकलते देखा। तो उसको लगा तेजी से बाहर, मतलब कद्दू भी बोलने लगा आजकल क्या। बच्चा था उसको पता नहीं था, लेकिन उसको लगा कि कहीं ये कद्दू तो नहीं है ना। बच्चे से भाई की फेवरेट सब्जेक्ट है पेंटिंग नहीं है, पेंटिंग नहीं थी उसका, कलेक्शन कलेक्टिंग गार्ड था। बच्चे अगर आप पेंटिंग मारोगे गलत, पेंटिंग का इसका शौक जो था वो बाद में चढ़ा। ये कविता की इस, अच्छा ये आप ये देखिए इसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें बताओ इसमें कहीं पर अभी तक पेंटिंग का चर्चा हुआ है क्या? सुजीत जी बताओ क्या अभी तक बच्चे इसका पेंटिंग का चर्चा हुआ है? नहीं ना, कलेक्टिंग गार्ड का चर्चा हुआ है ना, गार्ड को कलेक्ट करने का इसका शौक था। अगर ये गार्ड को कलेक्ट नहीं करता तो इसके पास बहुत सारे गार्ड होते, गार्ड होते नहीं होते। मुझे किताबों को कलेक्ट करने में मजा आता, मुझे कलेक्शन ऑफ बुक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये पेंटिंग का तो चर्चा अभी तक हुआ ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अभी तक चर्चा हुआ है गार्ड का। तो इसका आंसर क्या होगा? गार्ड ही उसका फेवरेट सब्जेक्ट गार्ड था, ना कि पेंटिंग था। पेंटिंग का चर्चा सबसे लास्ट पारा में होगा। आर्टिस्ट का मतलब ये नहीं होता है बच्चे कि आर्टिस्ट सिर्फ एक ही पेंटिंग वाले को कलाकार बोलते हैं, है ना। आर्टिस्ट उसको भी बोलते हैं जो कला करता है। आर्ट मीन्स क्या होता है? कला होता है। आर्टिस्ट मीन्स कलाकार होता है, कला को करने वाला होता है। तो कला मान ली कि मैं एक्ट करता हूँ, मान ली मैं अभिनय करता हूँ, वो भी तो आर्टिस्ट ही है। अभिनय करने वाला भी क्या है बच्चे? आर्टिस्ट ही है। नाचने वाला भी आर्टिस्ट है, वो भी कलाकार है। गाने वाला भी आर्टिस्ट है ना। मैं भी आर्टिस्ट हूँ, मुझे भी पढ़ाने की कला है ना। तो हर एक व्यक्ति आर्टिस्ट है, लेकिन आर्टिस्ट का कैटेगरी अलग अलग है। यहाँ पे सेबे को किसी का शौक था? कलेक्टिंग गार्ड, वो गार्ड कलेक्ट करने का शौकीन था। ओके चलिए देखो, एक कद्दू का सीन भेज दिया है, वाह सचिन। कहते हैं तो बीच के किनारे उसने एक जल्दी से एक झोपड़ी से निकलते हुए देखा एक सिर को, तो उसको लगा कि भाई कद्दू है। अगर वो पैसिनेट होता पेंटिंग के लिए तो उसको कद्दू जैसा क्यों सिर लगता है ना। चलिए एक देखिए, पैसिनेट था वो, अधिक नहीं बहुत अधिक पैसिनेट था। जो जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए फिर जरा फटाफट जरा वीडियो को जरा लाइक कर दीजिए। ओके, और जो चैनल पे नए रहेंगे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, थैंक यू धन्यवाद। आगे बढ़िए। कहते हैं आगे मैं इसको हटाता हूँ। ओहो कहते हैं व्हाट अ स्प्लेंडिड गार्ड। देखना यहाँ पे क्या बोल रहा है जरा देखो। यहाँ पे कहता है व्हाट अ स्प्लेंडिड गार्ड। अगर इसको पेंटिंग दिखता तो नहीं बोलता ना। क्या बोला यहाँ पे देखना, यहाँ पे इसको लगा कि कद्दू है, वो तो क्या बोलता है? व्हाट अ स्प्लेंडिड गार्ड। यहाँ पे कहता है कि अरे वाह कैसा बढ़िया तुम्बा है, कैसा बढ़िया कद्दू है। उसको कद्दू, उसका टकला इसको कद्दू दिखाई दे रहा है। उस बूढ़े व्यक्ति का जो सिर है ना, उसको सेबई को टकला जो है ना कद्दू से ऐसा दिख रहा है, उसको लग रहा है कद्दू। तो क्या बोलता है? व्हाट अ स्प्लेंडिड गार्ड, है ना। कहता है कितना बढ़िया कद्दू है। थाउट सेबई, सेबई ने सोचा अपने मन में, बोला कि वाह यार कितना बढ़िया कद्दू, एकदम गोल मटोल थोड़ा लंबा जैसा एकदम चमक रहा है ना। जबकि क्या था, वो एक बूढ़े व्यक्ति का सिर था। द ओल्ड मैन डिसअपीयर्ड फ्रॉम साइट। तभी क्या हुआ, अचानक वो बूढ़ा व्यक्ति क्या हुआ, गायब हो गया। बूढ़ा व्यक्ति अपना गंजा चिकना सर हिलाते हुए मतलब गायब हो गया, जो अपना चिकना जो सर था ना, प्लेन जो प्लेट था। कहता है वेइंग हिज बैलेड बैलेड पाइन गे पेट। कहता है उसका जो टकला जो चमकता हुआ जो सिर था उसको हिलाते हिलाते ऐसे करते करते गायब हो गया। तो इसको अब यहाँ पे सेबई चौंकता है। कहता ओनली देन डिड सेबई रियलाइज हिज मिस्टेक एंड ही स्टूड देयर लाफिंग। इसको मैं हटाता हूँ। कहते हैं ओनली देन डिड सेबई रियलाइज हिज मिस्टेक एंड ही स्टूड देयर लाफिंग लाउडली टू हिमसेल्फ। ही लाफ्ड ऑल द वे होम। कहते हैं ओनली देन, कहते हैं तब सेबई को अपनी गलती का आभास हुआ। तब से भाई को ऐसा लगा कि अरे मतलब वो तुम्बा नहीं था, वो गार्ड नहीं था, बाय मिस्टेक मैंने गार्ड बोल दिया। उसको ऐसा प्रतीत हुआ, उसको ऐसा लगा। कहता है एंड स्टूड देयर लाफिंग लॉर्डली टू हिमसेल्फ। और वह तेजी से हंसने लगा, जोर जोर से क्या हुआ, ठहाका मार मार के हंस। नहीं कभी ऐसा होता है कि गलती से कुछ मिनट, ओह माय गॉड, मतलब अपने आप में गलती बुझ लिया ना, और खुद पे वो क्या करने लगा, खुद पे वो हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। ही लाफ्ड ऑल द वे होम। जब तक वो कहते हैं पूरे घर तक है ना, वह पूरे रास्ते जब तक घर नहीं पहुंच गया, पूरे रास्ते पूरा रास्ता हंसते हुए घर आया।
घर जो कैसे गया, वो हंसते हंसते पूरा भर रास्ता हंसते गया। मन ही मन होता है कि बाय मिस्टेक आ रही है, इस तरह बात ना होता कि एक मतलब मैंने तो मतलब गजब हो गया है, इस तरह होता है ना। तो इस तरह की जो बात थी, तब जा करके सेवई को ऐसा लगा कि क्या होता है, उसको बड़ा इंटरेस्ट आ गया, बड़ा मजा आ गया, है ना। बैल्ड मीन्स बच्चे होता है गंजा, मैंने बोला ना गंजा, मैंने अभी तो बोला बैल्ड मीन्स गंजा होता है ना शरीर। सर योर टीचिंग लेवल इज वेरी स्ट्रांग, ओके। चलो थोड़ा देखो, कहानी को अगर आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तो पढ़ने का मजा ही नहीं आएगा। थोड़ा सा ये बोल्ड होता ना तो इसको पढ़ाने का मजा दुगना हो जाता। ये थोड़ा सा ना बोल्ड होता दिखता ना आपको, तो पढ़ाने का मजा दुगना हो जाता। अब लो मेरा फोन हो गया बच्चे हैंग, अभी तो एक घंटा हुआ भी नहीं। तीन पैरा को पढ़ा के हम इसको समाप्त करते हैं, क्योंकि फिर ना इसको कल मैं आपको बोल्ड करके दूंगा, तो आपको और जब बोल्ड रहेगा ना तो मुझे अंडरलाइन करके समझाने में मुझे बड़ा मजा आएगा। ऐसे पूरा एक साथ समझाना पड़ता है, एक साथ मुझे लिख कर समझाना पड़ता है, वो अच्छा नहीं लगता मुझे। चलिए कहते हैं बच्चे ध्यान दें, कहते दिख रहा है ना, मैं पता नहीं चलेगा हमको लिखा रहा है या नहीं लिखा रहा है, देखना पड़ेगा। रुक जा एक मिनट बाबू, एक मिनट। वो मेरा स्क्रीन पे फ़ोन ना बाबू कभी हैंग कर जाता है फ़ोन, आपको पता है ना, आप पढ़ रहे होंगे, पुराने बच्चे होंगे तो आपको पता होगा। वेन एवर ही पास्ड आ ग्रॉसरी, देखने दो अंडरलाइन हो रहा है या नहीं, हाँ हो रहा है। क्या कहता है बच्चे, वेन एवर ही पास्ड आ ग्रॉसरी, कहते हैं ग्रॉसरी मीन्स क्या होता है बच्चे, तो ग्रॉसरी आप समझते हो कुंजड़ा, समझते हो कुंजड़ा, जो सब्जी बेचते हैं उसको बोलते हैं ग्रॉसरी, है ना। क्या बोलते हैं ग्रॉसरी, जो कुंजड़ा होता है ना, ग्रॉसरी जो जिसको हम लोग कहते हैं कुंजड़ा, है ना। क्या कहते हैं ग्रॉसरी को, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, कुंजड़ा। ही वेन एवर, जब कभी वह ग्रॉसरी से, कहते हैं जब कभी से भाई किसी कुंजड़े के पास से गुजरता, किसी कुंजड़े के पास से गुजरता, अकुरियो शॉप, क्या कहते हैं अकुरियो शॉप, कुरियो शॉप का मतलब हुआ जो कलाकृति, मतलब जहाँ पे कलाकृति, जहाँ पे आर्टिस्ट लोग अपना जो सामान बेचते, मान लीजिए कुछ मैंने कला, कुछ पेंटिंग है, कुछ गार्ड को मैंने पेंट किया, गार्ड पे पेंटिंग होता है, गार्ड पे कोई कला होती है ना, तो कुछ कलाकृति के जो वस्तु बेचने वाली दुकान है, जो ऐसी दुकान जो कलाकृति मतलब आर्टिस्ट के जो किए गए पेंटिंग होते हैं, कुछ कले कुछ बने हुए सामान होते हैं, उसको बेचने वाले दुकान को हम लोग क्या बोलते हैं, कुरियो शॉप। क्या बोलते हैं बच्चे, कुरियो शॉप कहते हैं, है ना। कुरियो शॉप का मीनिंग आप क्या समझे, कलाकृति की वस्तु बेचने वाली दुकान, वैसी दुकान जो कलाकृति की वस्तु बेचती हो, वो क्या कहलाता है, कुरियो शॉप। कहते हैं जब कभी वो कुंजड़े के दुकान से मतलब कुंजड़े के किसी कुंजड़े से के पास से गुजरती, या फिर किसी दुकान से, वैसी दुकान जहाँ पे कलाकृति की वस्तु होती है वहाँ से गुजरता, है ना। और क्या कहता है, अ कॉन्फेक्शनर्स और इनफैक्ट एनी प्लेस दैट सोल्ड गार्ड्स, कहते हैं क्या कहता, या फिर कभी कोई मिठाई की दुकान से गुजरता, कहाँ कहाँ गुजर रहा है, किसी कुंजड़े के दुकान से, ग्रोसरी के दुकान से, किसी कुरियो शॉप के दुकान से, या फिर किसी कॉन्फेक्शनर्स के दुकान से, कॉन्फेक्शनर्स के दुकान से गुजरता, यानी मिठाई की दुकान से गुजरता, और इनफैक्ट एनी प्लेस, और वास्तव में कोई भी जगह हो, अगर बात करें वास्तव में, तो वास्तव में कोई भी जगह से वो गुजरता है, दैट सोल्ड गार्ड्स, जहाँ भी तुम्बा बिकता हुआ उसको लगा, जहाँ भी उसको ऐसा लगा कि यहाँ पे तुम्बा बिक रहा है, है ना। ओहो हो, मैंने ऊपर क्यों कर दिया, मुझे लगा मैं नीचे वाला पार्ट पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन पे चल गया ऊपर ना, एक मिनट रुक जा, होल्ड, नीचे आ भाई नीचे आ। ओके आ गया, ठीक है। वो मुझे दिख नहीं रहा बाबू स्क्रीन पे, है ना, चलिए देखना। मुझे लगा मैं चार पैरा पढ़ा रहा हूँ, वो मेरा फोन पे अंडरलाइन हुआ है चार पैरा, है ना, मतलब अंडरलाइन होके जो मैं पिछले बार पढ़ाया था ना, वही अंडरलाइन इस पे रखा गया है, तो मुझे लगा। कहते हैं ही स्टूड फोर मिनट्स और एंड, कहते हैं वो जहाँ कहीं भी जाता से भाई, चाहे वो कुंजला के दुकान हो, मिठाई के दुकान हो, कुरियो शॉप के दुकान हो, वास्तव में किसी भी जगह पे वो जाता, वो जहाँ कहीं भी तुम्बा बिकते देखता, जहाँ कभी देखा कि भाई तुम्बा बिक रहा है ना, कद्दू बिक रहा है, तो क्या करता वो, ही स्टूड फोर मिनट्स, वह कुछ देर के लिए, कुछ मिनट के लिए वहाँ पे खड़ा हो जाता है ना। और वो कुछ मिनट के लिए खड़ा ही नहीं, बल्कि कहता है, क्या कहता है, मिनट से, हिज आईज ग्लेड, आईज ग्लेड टू द विंडो अप्रेजिंग द प्रीशियस फ्रूट, कहते हैं कि वो जहाँ कहीं भी तुम्बा बिकते हुए उसको लगता है ना, तो उसको अगर वो पास से गुजरा, उसको पता चला कि यहाँ पे तुम्बा बिक रहा, तो वो कई मिनट तक
मतलब खड़ा हुआ तो अंत तक का, जब मतलब जब तक तुम्बा बिक नहीं जाता वहीं पे खड़ा हुआ रहता। कहा भाई हो सकता है तुम्बा का उसको मिल जाए, या तो फ्री में या फिर कुछ रुपये देकर मिल जाए, कुछ सस्ता मिल जाए, तो वहीं पे तुम्बे वाले के पास खड़ा रहता। तो वह कई मिनट तक, घंटों भी बोल सकते, मिनट तक खिड़की पर कहता है खिड़की पर आंखें जमाए उस मूल्यवान वस्तु को, उस मूल्यवान फल का मूल्यांकन करता हुआ खड़ा रहता था। मतलब जैसे खिड़की पे आप ना देखते हो कि आराम से कोई आप देख रहा है ना, आराम से खिड़की बैठ गया, आराम से देख रहे हो किसी वस्तु को, तो वो जो तुम्बा था जो एक मूल्यवान वस्तु को वहाँ पे चर्चा होता, वहाँ एक बहुत ही तुम्बा का वहाँ बहुत वैल्यू। यहाँ पे हम लोग कद्दू खाते नहीं, कितना लोग है ना कद्दू को फेंक देते हैं, वहाँ पे कद्दू दूसरे ढंग से होता है। वहाँ पे कद्दू पे कलाकृति होती है, उसको अंदर से पूरा निकाल के बाहर वाले को अच्छे सुखा के एक होता है ना, आप देखना ना सच करके, तो वहाँ पे उस पर कला होती है, बहुत महंगा बिकता भी है, आपको डिजाइन बिकता है वहाँ पे। वहाँ जापान से बन करके इंडिया वही तुम्बा आता है, 2 रुपये का तुम्बा यहाँ पे आता है, 500, 1000, 2000 में ये वही तुम्बा बिकता है, जो तुम्बा वहाँ पे उसका वैल्यू नहीं है, है ना। ये थोड़ा बड़ा होता है, इसको पढ़ाने का मजा दुगना हो जाता है यार इसका। इसको आज मैं फिनिश करता हूँ, फिर मैं 3 पैराग्राफ कल में लूंगा, है ना। तो कहता है वो खिड़की पे जैसे लोग खड़ा होते हैं ना और आंखें जमाए रहते हैं उस चीज पे, तो वो वहीं पे जा करके क्या करता, जब भी कभी वहां से गुजरता तो वहां पे जा करके खड़ा हो जाता और उस मूल्यवान वस्तु को, मूल्यवान फल को कीमत जो जैसे कहता मूल्यांकन करते हुए देखता, खड़ा वहां पे मूल्यांकन करते हुए खड़ा रहता कि भाई देखते हैं लोग क्या क्या करता, कैसे कैसे इसको खरीदता है। उसके पीछे इसका रीजन था क्योंकि इसे कलेक्शन, कलेक्टिंग गार्ड इसको पसंद था, गार्ड को कलेक्ट करना इसको पसंद था। ही इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग गार्ड, वह गार्ड को कलेक्ट करने का शौकीन था। कल हम लोग 3 पैरा से लेकर के चलेंगे, जहां तक हो सकता है हम लोग कल इसको समाप्त करेंगे। कल मैं आपको थोड़ा जूम कर दूंगा, है ना, फिर से मैं इसको एडिट करके, है ना, यही होता है दिक्कत। मैं लैपटॉप के स्क्रीन में पढ़ाता तो मजा आता, उस पर बड़ा दिख जाता है, लेकिन लैपटॉप का स्क्रीन पे आपको झिलमिल झिलमिल आते रहेगा तो आपको दिक्कत होगा, है ना। चलिए हाँ, हमें पसंद है सर कद्दू स्टोरी बहुत देखिए, बहुत अच्छा बात लिखे हैं सुजीत जी का। जिस प्रकार सेबई को एक कद्दू के लिए जुनून था, उसी प्रकार हम सबको भी पढ़ने का जुनून होना चाहिए। ऑफ कोर्स देखिए, अगर लाइफ में कोई इंटेंशन नहीं हो, कोई आपका इरादा नहीं हो किसी चीज़ को करने का, जैसे आपने देखा इसके जो राइटर हैं कौन है, सिगानोया जी, वो घर से निकल गए, उनका संपत्ति जो पैतृक संपत्ति भी उनको एक अंश नहीं मिला, उसके बावजूद भी वो एक बड़े राइटर बन गए, शॉर्ट स्टोरी राइटर बन गए, और आगे चलकर उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का उनको अवार्ड भी मिला, ऑर्डर ऑफ कल्चर का अवार्ड भी उनको मिला, है ना, जापान में। तो है ना, बस वही होता है इंसान में, आपको इंसान के पास इंटेंशन होना चाहिए। देखिए मेरा भी कुछ इरादा है मेरा बनने का, मैं तो बनना चाहता था एक्टर, बन गया डायरेक्टर, है ना, सो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरा इंटेंशन समाप्त हो गया, वहाँ तक पहुँचने के लिए ये मेरा जरिया है। इसलिए मैं आप लोग से बार बार बोलता हूँ, थोड़ा सा कोऑपरेट करो। मैं क्यों बोलता हूँ बार बार, ताकि इसलिए भाई आप कोऑपरेट करो, अधिक से अधिक बच्चे जुड़ेंगे। मेरा बस एक ही इंटेंशन फिलहाल है, मुझे अर्निंग करनी है पैसे की, है ना, तभी जा करके मैं वो काम कर पाऊंगा। और वो भी मेरा लक्ष्य नहीं, मेरा लक्ष्य कुछ और है, मेरा लक्ष्य ऐसे एक्टिंग करना, एक्टर नहीं बनना है, मेरा लक्ष्य कुछ और है, वो मैं बताऊंगा नहीं, किसी को नहीं आज तक बताया है। चलिए कोई दिक्कत, और 53 मिनट आज हो गया ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे कल मैं आपको इसको जूम कर दूंगा और भी इसको बड़ा कर दूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको कल 3 पैरा से कल मैं आपको फिर से क्लियर कर दूंगा, है ना। और बच्चे जो लेट से आते हैं ना, है ना, वो बच्चे जल्द से जल्द आ जाए करें, है ना। सर आपका गोल, मेरा गोल जो है वो बहुत बड़ा है भाई, शायद अगर पूरा हो जाए इस जन्म में तो थोड़ा सा भी मैं कर पाऊँ उस चीज़ को, तो बहुत बड़ी काम, बहुत बड़ा कर पाऊँगा। और जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक करके जाएं। ओके बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ खुद का ख्याल रखें, अपने माता पिता का भी ख्याल रखें, है ना, टेक केयर। मोबाइल कर गया है हैंग, हाँ जी आज टेस्ट होगा, 2 से 3 बच्चे टेस्ट है, 2 से 3 आपका टेस्ट है।
हे भगवान। ओ हाँ, हाश हाश, अरे क्या हो गया? इंग्लिश का टेस्ट होगा बाबू, इंग्लिश का। हाँ डिस्चार्ज है तो अभी 8 बज चुका है, 8 बजे से पढ़े, 8 बजे से तुम बैठेगा तो वहां पे तुम्हारा टेस्ट नहीं दे पाएगा, डरता है टेस्ट है। वाई के ऊपर है, ओके, इधर राइट में, ओके।